हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी खस्ता नमक पारे की रेसिपी। नमक पारे में हम मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ी सी मेथी और गेहूं के आटे से हम नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे और नमक पारे हमारे मैदे के नमक पारे से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। रेसिपी को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी हर नई वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। मैंने यहाँ पर आधा बंच मेथी ली है। जो पूरा बंच आता है उसमें से आधा बंच मैंने मेथी ली है। मेथी को मैंने छांट कर अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। पूरा 2 से 3 बार मैंने वॉश किया है तो मेथी हमारी क्लीन हो गई है। अब हम इसको कट करेंगे। मेथी के जो मोटे वाले डंठल थे उनको मैंने हटा दिया है। तो अब हम मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसका एक बंच बना लेंगे और इस तरह से बिल्कुल बारीक कट करेंगे। मेथी की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम ही रखेंगे, क्योंकि मेथी की क्वांटिटी अगर हमने ज़्यादा कर दी तो नमक पारे में कड़वापन आ जाएगा। इसलिए हमने इतनी ही मेथी उसमें डालनी है जिससे मेथी का सिर्फ फ्लेवर आए, कड़वापन ना आए। मेथी को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, लेकिन हम इसको आटे में ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हमने इसको डाल दिया तो हम आटा अच्छे से गूंथ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें मेथी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको चलाते हुए पका लेंगे। ज़्यादा देर तक हमने इसको नहीं पकाना है, सिर्फ श्रिंक होने तक हम इसको पकाएंगे ताकि आटा गूंथने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जल्दी ही मेथी श्रिंक हो जाती है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। तो 2 से 3 मिनट में मेथी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। अब हम गेहूं के आटे से नमक पारे बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। अगर आप मैदे से नमक पारे बनाना चाहते हैं तो आप मैदा भी ले सकते हैं। अब नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी अवेलेबल नहीं है तो आप मोटे वाली सूजी को एक बार मिक्सी में चला लें, उससे सूजी बिल्कुल बारीक बन जाएगी। उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। अब नमक पारे को और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून ली है अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नमक पारे में। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक पारे को अच्छा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है नमक पारे में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें डाल देती हैं मेथी जो हमने पकाकर तैयार करी थी। नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मोयन डालेंगे, तो उसके लिए मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए, जिसको हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारी मेथी, मसाले, ऑयल अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। पानी का यूज़ हमने पहले नहीं करना है, पहले सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑयल और मेथी से आटे में काफी सारा मॉइस्चर आ जाएगा। पानी का यूज हमने बिल्कुल कम सा ही करना है। सारी चीजों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और इसका टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। डो हमने टाइट ही रखना है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, क्योंकि सॉफ्ट डो से खस्ता नमक पारे नहीं बन पाएंगे। खस्ता नमक पारे बनाने के लिए हमने डो को टाइट ही रखना है। डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब 10 से 12 मिनट तक हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 12 मिनट में आटा हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके नमक पारे बनाना शुरू करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। तो डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके नमक पारे बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डो ले लिया है, इसकी बॉल बना ली है। अब हम इसको रोल करेंगे। रोल करते हुए हम सूखा आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि डो चिपक रहा है बेलन पे, तो आप ऑयल लगाकर इसको रोल कर सकते हैं। वैसे तो चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने डो टाइट ही रखा है। अगर थोड़ा बहुत चिपके तो आप ऑयल लगाकर इसको रोल कर लें। तो बिल्कुल पतला हमने इसको रोल कर लेना है, रोटी से थोड़ा सा मोटा हमने रखना है। तो मैंने इसको बिल्कुल पतला रोल कर लिया है। अब हम इसके नमक पारे कट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक हार्ड शेप का कटर लिया है, इसकी हेल्प से मैं नमक पारे कट करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई कटर नहीं है तो आप नाइफ से पतले लंबे शेप में भी इनको कट कर सकते हैं। नाइफ की हेल्प से कट किए हुए नमक पारे की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है,
वो मैंने मैदे के ही नमक पारे बनाए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने नमक पारे कट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। बाकी के नमक पारे भी हम इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम उनको फ्राई करेंगे। नमक पारे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे। ऑयल में थोड़ा सा आटा डालकर चेक करेंगे कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, ऑयल में खूब सारे बबल्स उठने लग गए हैं और आटा हमारा तैर कर ऊपर आ गया है। इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। अब हम इसमें नमक पारे डालना शुरू करेंगे। नमक पारे कट करके मैंने प्लेट में एक के ऊपर एक रख दिए थे, तो ये थोड़ा सा आपस में चिपक गए हैं। तो टेंशन ना लें, ऑयल में जाते ही अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। अब तक मैंने फ्लेम मीडियम रखी थी, लेकिन नमक पारे डालने के बाद फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे और इनको धीरे धीरे से पकने देंगे, तभी हमारे नमक पारे खस्ता बन पाएंगे। नमक पारे को ऑयल में डालते ही हम इनको नहीं चलाएंगे, लेकिन एक मिनट के बाद हम किसी स्पून की हेल्प से इनको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाएं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इनको गोल्डन और खस्ता होने तक पकाना है। नमक पारे बढ़िया से गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो क्रिस्पी खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हो गई है। टेस्टी तो ये नमक पारे हैं ही, साथ में ये हेल्दी भी हैं, क्योंकि हमने इनको गेहूं के आटे और मेथी से बनाया है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, आपको बेहद ही पसंद आएंगे ये नमक पारे। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।